कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में। हमारा न्यू सब्जेक्ट एनवायरमेंटल हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना। इसके अंदर आज हम यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ, तो एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, इंट्रोडक्शन क्या होता है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड? इन। इस इन का मतलब होता है इन, ये वाला इन। इस इन का मतलब होता है इन, ठीक है। और वारोन का मतलब होता है, वैरून का मतलब होता है सर्कल, सर्कल। सर्कल मतलब हमारे आसपास का जो एरिया है उसे हम सर्कल बोलते हैं, या फिर सराउंडिंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो उसे ही इन मतलब, इन मतलब आसपास, हमारे जो करीब करीब है हमारे सर्कल के आसपास है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट बोलते हैं। तो ये वर्ड से डिराइव हुआ है एनवायरमेंटल वर्ड जो है, या एनवायरमेंट वर्ड जो है वो इसी दो वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। आगे बात करें तो हेल्थ इज अफेक्टेड, हेल्थ इज affected by the quality of, by the quality of, quality of environmental, या environment, environment environment include, जो कि include है इसके अंदर। इसके अंदर क्या इंक्लूड है? आपका एयर आएगा, एयर, जिसे हम क्या करते हैं,
विपरीत। एयर जिसे हम क्या करते हैं, अपने सांस की थ्रू अंदर लेते हैं। यह भी क्या है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। देखिए यहां लिखा हुआ है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एयर जो है शुद्ध मिले हमको, अच्छा एयर मिले, तो हम हमारा हेल्थ कैसे रहेगा, हेल्दी रहेगा, हमें कोई भी तरह का रेस्पिरेटरी या फिर कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। वहीं अगर डस्ट वाला एयर है, डस्ट वाला एयर है, या तो फिर पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड एयर, या फिर ये कहूं ये जो एयर है वो कहां से आ रहा है, इंडस्ट्रियल एयर है, इंडस्ट्रियल एयर, तो हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, ये हेल्थ को अफेक्ट, कैन अफेक्ट हेल्थ। और आपको क्या हो सकता है, हो सकता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या फिर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या अदर कोई भी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपके सारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है अगर पॉल्यूटेड एयर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं क्या किस तरह का केमिकल भी हो सकता है, किसी तरह का इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है। तो एयर जो है हमारे हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगला वाटर, वाटर भी क्या है, एक कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट का, जो कि हमारे एनवायरमेंट में रहता है। तो वाटर को हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वाटर वी ड्रिंक। तो वाटर में अगर किसी भी तरह का पॉल्यूटेड या फिर पॉल्यूशन या फिर किसी भी तरह का पॉल्यूशन या इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट पॉल्यूशन है या फिर इन्फेक्शियस एजेंट है, तो भी ये हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट हेल्थ, हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई वाटर भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वाटर का प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। आजकल वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, इसीलिए बहुत लोग आरओ का यूज करने लगे हैं, क्योंकि आरओ क्या करता है, उसको शुद्ध कर देता है पानी को। और जरूरी ये भी नहीं है कि हर जगह की पानी खराब हो, लेकिन मैक्सिमम जगह की पानी जो है वो खराब हो गया है, क्योंकि लोग पानी में ही बहुत सारे वेस्ट को बहा देते हैं नदी नालों में। दैट्स वाई पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है। आगे बात करते हैं फूड वी एट, फूड वी एट, फूड, फूड भी क्या है, एनवायरमेंट का ही एक पार्ट होता है, जो हमें एनवायरमेंट से मिलता है फूड। तो फूड भी अगर प्रॉपर मात्रा में हम ना ले, या फिर फूड की, फूड के अंदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट की कमी हो, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट, ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की कमी हो जाए फूड के अंदर और हम उसे खाएं, तो हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशनल एलिमेंट नहीं जा पाएगा,
जिसके कारण से हमारा बॉडी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं होगा, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी मे भी हो सकता है डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज इम्यूनिटी, और अगर इम्यूनिटी डिक्रीज हो गया तो मोर चांसेस होगा इन्फेक्शन के, चांस ऑफ इन्फेक्शन। तो इसीलिए फूड भी क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है हमारे हेल्थ को। अगला है कम्युनिटी जिसके अंदर हम रहते हैं या जिसके अंदर हम जीते हैं। कम्युनिटी इन विच वी लाइव, वह कम्युनिटी जिसके अंदर हम रहते हैं वहां किसी भी तरह का अगर लड़ाई झगड़े हो, आपसी मतभेद हो, फाइट हो, वार हो, वार तो नहीं कहूंगा लेकिन लड़ाई हो या फिर होता है ना लोगों के बीच में एक दूसरे की चुगली करना और फिर किसी को बार बार हरास करना या फिर हरास मतलब प्रताड़ित करना, हरासमेंट, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है समाज के अंदर या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि सामाजिक जो भी कार्य है उसमें क्या नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, not participating in program of society के किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, हेल्थ में अफेक्ट पड़ सकता है। कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करता, वह चुपचाप से रहता है, शांत से रहता है, तो वो हो सकता है डिप्रेशन के शिकार में भी हो सकता है डिप्रेशन के शिकार। और अगर कोई पर्सन जो है वो सोसाइटी में बार बार लड़ाई झगड़े करेंगे तो लड़ाई झगड़े करने के कारण बार बार ध्यान उधर ही रहेगा, जिसके कारण से वह पर्सन ठीक से अपने कार्य क्षमता के बारे में सोच नहीं पाएगा और वही रीजन होगा कि उस पर्सन में मेंटल इलनेस को बढ़ावा देगा। हो सकता है पर्सन डिप्रेशन में चले जाए या हो सकता है पर्सन जो है वो एंजाइटी में चले जाए या फिर अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं तो तनाव में भी जा सकता है इंसान। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, तो Environmental health is the science and practice of practice of
प्रिवेंटिंग ह्यूमन इलनेस एंड प्रोमोटिंग वेल बीइंग एंड प्रमोटिंग वेल बीइंग एनवायरमेंटल हेल्थ इज द साइंस. एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, यह भी एक तरह का साइंस है. हेलो, हाँ हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल हेल्थ इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग ह्यूमन इंजरी एंड इलनेस. मतलब ये क्या है, एक तरह का साइंस है जिसके अंदर हम एनवायरमेंटल मतलब ह्यूमन के अंदर जो भी इंजरी होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इलनेस जो होता है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं और प्रमोट करते हैं. क्या को, हेल्थ को. किस तरह से प्रमोट होता है हेल्थ, थ्रू द एनवायरमेंट देखेंगे. तो आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग एनवायरमेंटल सोर्सेस ऑफ हजार्डस एजेंट of hazardous agent. जो hazardous agent होता है उसको हम identify करते हैं, क्योंकि ये भी एक environmental source है जो कि क्या करता है, हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. अगला है लिमिटिंग एक्सपोजर टू हजार्डस. एक्सपोजर टू हजार्डस, जो भी हजार्डियस सब्सटेंस है या एजेंट है उससे हमको
एक्सपोज होने से बचाना है लोगों को, जैसे कि हजार्डस, जैसे कि लाइक फिजिकल हजार्डस, फिजिकल हजार्डस, फिजिकल हजार्डस हो सकता है, केमिकल हजार्डस हो सकता है, केमिकल हजार्डस, या फिर वो बायोलॉजिकल हजार्डस हो सकता है, बायोलॉजिकल हजार्डस। या फिर वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सोइल हो सकता है, या फिर फूड हो सकता है। वो एयर हो सकता है, वाटर, सोइल या फिर फूडी सब्सटेंस हो सकता है, जो कि हमारे हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। और ये था डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ।